Hey friends, welcome to Unveilable. Please subscribe the channel if you haven't and press the bell icon to stay updated. Modi ji sabse zyada influential politician hain. Wo sabse zyada follow kiye jane wale netaon mein se bhi ek hain aur unko kafi sare desh ke log poojte hain. Ha, unke bhakt hain. Aur wo us cheez ke liye gaurvanvit bhi hain. Kyun aisa? एग्जिट पोल ने देश के होश उड़ा दिए हैं। मोदी जी के सपोर्टिव हो या विरोधी हो, सब फिर से अचरज में हैं। उम्मीद सभी ने लगा रखी थी, पर फैसलों को इतने भारी बहुमत से इस तरफ जाते देख के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। खैर, परिणाम जो भी हो, एक चीज साफ दिखती है और सभी को अचरज में भी डालती है, वो है मोदी लहर। एक नाम और असर इतना गहरा। मिस्टर नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के मोस्ट फॉलोड पॉलिटिशियंस में से एक, एक डेवलपिंग कंट्री का साधारण नेता जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, उसमें क्या ऐसी खासियत है जो इस लेवल पे लोगों को इन्फ्लुएंस कर गया? कोई तो बात होगी भाई। तो आज हम इसी मुद्दे पर की गई एक रिसर्च आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं जिसने मोदी जी को इतना सफल बनाया। रीजन वन, दिस नेशनलिस्ट वर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन। आप चाहे इन्हें एंटी मुस्लिम कहें या कहें हिंदुवादी, इन्होंने एक धुन पकड़ी है जब से गद्दी संभाली है, और वो है डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, विकास। इस बात को क्रिटिक्स भी मानता है कि जो विकास लास्ट 5 सालों में हुआ है, वो देश में पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था। जितनी स्कीम्स डिक्लेयर की गई, उतनी लॉन्च भी हुई। बाकी सरकारों की तरह हवा में कागज मोदी सरकार में नहीं तैरे। जनधन योजना, स्मार्ट सिटीज, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया आदि इनिशिएटिव्स फुल्ली सक्सेसफुल रहे। इनफैक्ट इन स्कीम से देश में स्वच्छता, एंटरप्रेन्योरशिप आदि जैसे मुद्दों के लिए स्वयं इंसान जागरूक हुआ है। रीजन टू, हिज स्ट्रिक्ट स्टाइल ऑफ डीलिंग विद टेररिज्म। आतंकवाद के प्रति मोदी का कड़ा रवैया। हम सभी जानते हैं मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने टेररिज्म को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेकर गए हैं और बेबाक इसके खिलाफ आवाज उठाई है। और सिर्फ आवाज ही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम भी उठाए और पाकिस्तान को कई बार मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने इन्हें कभी डरते नहीं देखा, ना आवाज दबाते देखा। मोदी राज में सेना और सशक्त हुई और इसे इतनी ताकत मिली कि खुद अपनी स्ट्रेटजीज पे काम कर सके। उरी, पुलवामा इसके बहुत अच्छे उदाहरण है। इस तरह का रवैया देश को पसंद आया। रीजन थ्री, नमो हैज अ विजन। मिस्टर नरेंद्र मोदी दूरदर्शिता को महत्व देते हुए एक्शन लेते हैं और सफल भी होते हैं। जीएसटी को लाख क्रिटिसिज्म मिला हो, पर इससे कॉम्प्लेक्सिटीज खत्म हुई और मल्टीपल ट्रांजैक्शंस फॉर टैक्स खत्म होने से करप्शन के चांसेस खत्म हुए। इसके ऑनलाइन होने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई और आने वाले समय में बिजनेस बढ़ने अननेसेसरी टैक्सेशन लॉस से बचत होगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, इसके चलते कई लोगों को रोजगार मिला। कनेक्टिविटी बढ़ने से फ्यूचर बिजनेस इजी हो जाएगा और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट रिड्यूस होगी। इससे पूरा का पूरा असर ऑल ओवर मार्केट पे पड़ेगा। मेक इन इंडिया, चाइना के व्यापार को कम करके उनपे डिपेंडेंसी ना शो करना, इससे इंडिया जैसे बड़े मार्केट से चाइना के फुटप्रिंट्स, हेंस रेवेन्यू जनरेशन कम होगा और हमारे देश के लघु उद्योगों को प्लेटफॉर्म और इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। इस स्कीम ने एक्सपोर्ट बढ़ाया और लुप्त होती कला जैसे जूट और बांस का काम इत्यादि को फिर जीवित कर दिया। रीजन फोर, ही नोज टाइम मैनेजमेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक डिसिप्लिन्ड इंसान है जो लेट 50s में होते हुए भी दिन भर नौजवानों जैसी स्फूर्ति से काम करते हैं। कारण है टाइम मैनेजमेंट। ही नोज हाउ टू प्रायोरिटाइज वर्क। वे 4 बजे सुबह उठकर एक्सरसाइज और योगा करते हैं, फिर दिनचर्या शुरू होने से पहले टू डू लिस्ट जरूर बनाते हैं। रीजन फाइव, बॉन्डिंग। लोगों से जुड़ने की कला नमो जैसी किसी में नहीं। वे आम जनता से जुड़ने के लिए स्थानीय भाषा बोली का प्रयोग करने से नहीं हिचकिचाते। अपनी स्पीचेस कागजों में नहीं, लोगों की आंखों में देखकर कहते हैं। मन की बात करते दौरान लोगों को क्रेडिट्स देते हैं, लोगों को मेंशन करते हैं, इससे वो और जुड़ जाते हैं। इन वाक चातुर्यता के कारण जनमानस में वे काफी लोकप्रिय हैं। युवाओं और एनआरआई से भी उनके लेवल पर जुड़कर उनसे बातें करते हैं, टेक्निकल फंडा डिस्कस करते हैं और नई चीजें जानने में और लर्न करने में
सीखने में कभी हिचकिचाते नहीं। ये सारी चीजें उन्हें बाकी नेताओं से बहुत अलग कर देती है। एक ऐसा नेता जिसका मोटिव देश का विकास हो, खुद की प्रॉपर्टीज नहीं, उसे जनता का प्यार मिलना स्वाभाविक है। देश की जनता आज समझदार है, कॉम्पनसेशन या 72,000 रुपए में देश को बिकने नहीं देगी। व्यक्ति की चाह साल भर में समझ आ जाती है। बातें तो बड़ी बड़ी केजरी भी कर लेते हैं, लेकिन एक गलती के बाद दिल्ली की जनता बतौलेबाजों को चप्पलों से ही स्वागत करती है। आज देश के हजारों नेताओं में से कोई मोदी जी के समकक्ष खड़े हो पाए ऐसे नहीं है। ममता, माया, केजरी सब अपनी जेबें भरने में बिजी हैं। विश्व पटल पर परचम लहरा सके इतना साहस और सामर्थ्य किसी में भी नहीं। इसलिए नमो बेस्ट है और सबसे अलग। अगर आप अग्री करते हैं तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमें बताइए अपने प्राइम मिनिस्टर की और खूबियां कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।